तो व्हाट्सएप की 3 हिडन सेटिंग वो कौन से हैं? तो शुरू करते हैं व्हाट्सएप की 3 हिडन ट्रिक्स और सेटिंग। तो पहला सेटिंग ये है कि व्हाट्सएप को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप ऐप लॉक्ड, ये बग़ैर एप्लीकेशन के इस पर लॉक लगा हुआ है। टच द फिंगर प्रिंट सेंसर, जब तक मैं उस पर फिंगर प्रिंट्स नहीं लगाता तो ये सेंसर पर उंगली रखने से पहले नहीं खोलेगा। तो आप इसके ज़रिए से सिक्योर रहेंगे, आपका व्हाट्सएप कोई दूसरा नहीं देख पाता। तो अब इसके ऊपर मैं सेंसर उंगली रख देता हूँ तो उंगली रखने से ये खुल जाएगा। तो ये पहला सेटिंग है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि सेटिंग आपने किस तरह करनी है। तो पहला सेटिंग जानने के लिए इस वीडियो को देखें, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएं, व्हाट्सएप पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक कर लें। अब इसके बाद आप सेटिंग पे आ जाएं, सेटिंग पे आने के बाद अब आपके सामने जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इस ऑप्शन में आपने अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद अब जो ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन को आपने छेड़ना नहीं है, प्राइवेसी पे चले जाएं। अब प्राइवेसी पे जाने के बाद सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे है फिंगरप्रिंट लॉक, इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद अब मैं इसको ऑफ़ करके दिखा देता हूँ तो इस तरह ही आपको नज़र आएगा। तो इसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद कंफर्म फिंगरप्रिंट आपसे मांगेगा। तो आपने सेंसर पे, अब 3 ऑप्शन इसमें हैं, इमीडिएटली, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, यानी जो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये व्हाट्सएप लॉक होगा ओपन करने के बाद फौरन। तो पहला ये सेटिंग है। अब जानते हैं दूसरे सेटिंग की जानेब, अब जाते हैं वो दूसरा कौन सा सेटिंग है। अभी मेरे व्हाट्सएप को आप देखें, इसका बैकग्राउंड भी देखें और इसका वॉलपेपर भी आप चेक कर लें, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप उसको इसको चेंज करना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप का आपको जो लुक नज़र आ रहा है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो सेटिंग पे चले जाएं और ये चैट्स पे चले जाएं और इसके बाद आप थीम पर क्लिक कर ले तो डार्क थीम को सेलेक्ट कर ले और ओके प्रेस कर ले। अब आप देखें ये व्हाट्सएप जो है वो आपको ब्लैक नज़र आएगी, ये दूसरा सेटिंग, यानी जो बंदा अपने लिए पसंद करे कि ब्लैक अच्छा लगे तो ब्लैक सेलेक्ट कर ले, या बाय डिफ़ॉल्ट आपको अच्छा लगे तो उसको सेलेक्ट कर ले। तो ये 2 ऑप्शन सेटिंग हो गए हिडन। अब तीसरे सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड पे आप वॉलपेपर को देखें, यही थीम ठीक है, चलो इसके वॉलपेपर को हम चेंज करते हैं। तो सेटिंग पे चले जाएं, सेटिंग पे जाने के बाद आप उसी चैट पे चले जाएं, वॉलपेपर को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड कलर, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आने के बाद अब देखें बहुत से कलर हैं, ये वॉलपेपर हैं, फ़र्ज़ कर यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये इस तरह, ये प्रीव्यू है तो आपको इस तरह नज़र आएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो दूसरे को सेलेक्ट कर लें, यहाँ से यहाँ आकर जो कलर भी आपकी अपनी पसंद की कलर हो उसको सेलेक्ट कर लें। ये इस तरह आपका चैट नज़र आएगा, इसको सेलेक्ट कर ले। तो इसी तरह फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं एक को सेलेक्ट कर देता हूँ, ये ग्रीन को, ठीक है। तो सेट पे आप क्लिक कर लें। अब सेट पे क्लिक करने के बाद देखें, और लैंग्वेज को आप उसी तरह रहने दें, ठीक है। ये मुझसे क्लिक हो गई, अच्छा, शो न्यूली डाउनलोड मीडिया इन यूअर फ़ोन गैलरी, नो इंट,
ओके यहाँ पर अब आते हैं। अब इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, देखें रिटर्न फॉर्म में जो टिक्स हो तो उसको देखें। अब ये आपका ये जो चैट हैं ये इसी तरह नज़र आएगा। तो ये थी मुख्तसर सी वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।